फ्रेंड्स, ऐसी जो पॉलीथीन होती है, ये सब्जी वाली पॉलीथीन, ऐसी पॉलीथीन, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में ऐसी पॉलीथीन आपको मिलेगी नहीं, कि हम कुछ भी लेते हैं, चाहे कुछ भी, कोई सी भी सब्जी लें या मतलब, तो हमें इसी तरह की पॉलीथीन में रख के मिलती है। तो ये पॉलीथीन सभी के घर में होती हैं और आज हम इन पॉलीथीन से आपको एक बहुत ही सुंदर डेकोर आइटम जो है बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। इनसे आज हम बनाने वाले हैं फूल, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में और आप उनसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो और पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ओकेजन पे या शादी पे हम लोग बाहर से मालाएं लाते हैं और अपने घर को डेकोर करते हैं, तो वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर को डेकोर कर सकते हो, अपने जो भगवान जी का जो मंदिर होता है उसको कर सकते हो। तो देखिए, हम आपको इनसे आज जो है फूल बनाना सिखाएंगे, आपको बहुत ही सुंदर से फूल सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमारी जो ये पॉलीथीन है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से, इसको एकदम से, जैसे फोल्ड होती है नई, जब पॉलीथीन होती है नई, जब हम कभी कभी मंगाते हैं ना, जब कभी कोई काम होता है जैसे शादी वगैरह होती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी पॉलीथीन की, ऐसी पन्नियों की, तो हम नई मंगाते हैं, तो इस तरीके से वो फोल्ड की हुई आती है एकदम से अच्छे से, है ना, इस तरीके से। तो हमें इसको अच्छे से, आप चाहें तो ऐसे कर सकती हैं या फिर आप चाहें तो इसको इस तरीके से करके और पेपर के अंदर रख के, जैसे ये पेपर है और इसके अंदर रख के, ये पेपर है इसके अंदर आप रख के और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस भी घुमा सकते हैं, ठीक है। पर मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ, देखिए इस तरीके से हमने कर लिया इसको। और इसका ये भाग जो है, ये वाला भाग जो है, इसको हम कट कर देंगे, ये वाला आगे वाला भाग जो है इसको हम कट कर देंगे। कट कर दिया और हाथों से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से इस तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है इसको, और ऐसे, थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से इसको कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद हमने एक ढक्कन ले लिया। आप कुछ भी मतलब ले लीजिए, गोल टाइप का, मतलब गोल हो, आप कुछ भी ले लीजिए और जितना बड़ा आपको फूल बनाना है उतना बड़ा ले लीजिए। अगर जैसे, वैसे तो मीडियम साइज ही लेना है जिस तरीके के फूल होते हैं। तो हमने इस ढक्कन को रखा और इस तरीके से हमने इस पर निशान लगा लिया चारों तरफ से, ऐसे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो निशान है, अब ये जो हमने मार्क लगाया है, इसके बीच में हम इसको स्टेपलर से पंच कर देंगे। सुई धागा की भी जरूरत नहीं है यहां पे बिल्कुल भी। ये देखिए, बीच में हमने कर दिया, ठीक है। दूसरी जगह भी कर लेंगे हम इसी तरीके से, फिर बाद में आगे बताते हैं आपको। अब हमें क्या करना है, जो हमने मार्क लगाया था यहां से हमें कट कर देना है इस तरीके से, ये गोल गोल हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको सुई धागे की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल फ्री में बन के रेडी हो जाते हैं ना। ऐसी ये पॉलीथीन सभी के घर में पड़ी रहती है, हम फेंक देते हैं, हम लोग इनको किसी काम की नहीं होती है, फेंक देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कट कर लिया है हमने, अब इसमें हम साइड से कट लगाएंगे।
हम अपनी सुविधा के लिए पहले ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से कट लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा लग जाएगा। ध्यान रहे कि हमने जो बीच में स्टेपलर लगाया है साइड ही में लगाना है, हमें बाहर बाहर ही कट लगाना है, वो हमें लगा रहने देना है, जो हमने पंच किया है ज्वाइंट किया है वो हमें लगा रहने देना है। तो हमने यहाँ कट लगा लिया, यहाँ कट लगा लिया, अब मैं इसके दूसरी साइड में लगा लेती हूँ, इस साइड में भी और उस साइड में भी, इस साइड में भी, ठीक है। अब ये जो बीच में जो हमने कट लगाए हैं, अब इनके बीच बीच में लगा लेते हैं। इस तरीके से हम लगाएंगे तो थोड़ा हमको जो है ना सहूलियत हो जाएगी, और कोई बात नहीं है, आप जैसे जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लगा लीजिए। हमें पूरी गोलाई में हमें बारीक 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 बहुत छोटे छोटे कट लगाना है, ठीक है। तो मैं लगा ले रही हूँ, ये बीच बीच में लगा लिए, अब इनके बीच में भी हम लगा लेंगे छोटे छोटे, हमें कट चारों तरफ से लगा लेना है पूरी गोलाई में। तो हमने चारों तरफ से इसको कट लगा लिए हैं, और कट जितने हमारे बारीक लगेंगे, जितने हमारे पास पास लगेंगे, उतना ही हमारा जो फूल है वो अच्छा बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको खोल देना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस इनको अब हमें खोल लेना है इस तरीके से। इस तरीके से खोल देना है। तो ये देखिए हमारा फूल बनके रेडी हो चुका है। मैं और फूल बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दो पन्नी से हमारे, दो पॉलिथीन से हमारे इतने फूल बन चुके हैं, और आप इस तरीके से जितने फूल चाहें उतने बना सकते हैं, और इनकी माला भी बना सकते हैं। और माला जब आप बनाते हैं और ऑरेंज कलर की, येलो कलर की बनाएंगे, एक ही कलर की, तो बिल्कुल ये नहीं लगता है कि ये पॉलीथिन से बनाए हुए फ्लावर हैं, बिल्कुल रियल फूल लगते हैं। जैसे हमारे जो मैरीगोल्ड के फूल होते हैं ना, फ्लावर एकदम से येलो और लाइट येलो और डार्क येलो, तो उसी तरह की आप पॉलीथिन ले लीजिए उसी कलर में और बनाइए। बिल्कुल भी कोई दूर से देखने से ये नहीं बोल सकता कि ये पॉलीथिन से बने हुए हैं, बिल्कुल असली लगते हैं एकदम। और इनकी आप माला बना लीजिए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए, एक बार बनाइए और बार बार इनसे अपने घर को डेकोरेट करिए, तो बिल्कुल बिना खर्चे की, और कितनी अच्छी हमारी चीज़ जो है बन के रेडी हो जाती है, कितना अच्छा हमारा डेकोर आइटम बन के रेडी हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो यूजफुल लगी, हमारे फूल जो है, ये हमारा जो आइडिया है अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी करिएगा, और अच्छा लगा है तो भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।